तो हम आ गए अभी मुस्को गाँव में, और मुस्को गाँव में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ना यहाँ की स्टोरी जाननी थी। किसी भी जगह की कहानी अगर जाननी है ना, तो वहाँ आपको पहले ग्राउंड लेवल में जाना बहुत ज़रूरी है और इनर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना हमने सोचा कि आज इनर में जाते हैं और कारगिल युद्ध के बारे में पूरा बात जानने के लिए हम एक गांव के अंदर घुसे, जहां से सारा कुछ आर्मी की रणनीति शुरू हुई थी, हमारी भी और पाकिस्तान की भी, क्योंकि ये वो गांव है जहां से दोनों घाटियों के बीच में पहाड़ है। और ये पहाड़, यानी आप जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे हो ना, ये पहाड़ के पीछे और इसके जो पीछे जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच में गाँव है। और इन पहाड़ों के बीच में ना इतनी गोला बारूद की बारिश हुई थी कि यहाँ के लोगों को डर हो गया था कि हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी और कैसे हम यह युद्ध झेलेंगे। वो सब जानने के लिए हम आए हैं इस गांव के अंदर, और चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। ये एरिया में मतलब पाकिस्तान आर्मी हमला करती थी या इंडियन आर्मी? पाकिस्तान, वहाँ से इधर पे हमला करता था। अब क्या हुआ, हमारे आर्मी यहाँ पे नहीं था। अब इन लोगों ने खबर दिया तो हमारा आर्मी लोग भी आया, साथ में इनके जो बाप दादा थे ये पोर्टल के काम करते थे, करके ये सारा सेल्स वगैरह, सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सब कुछ लेके ये चले गए ऊपर। जैसे ऊपर चले गए फिर इन्होंने उनको सफाया करने लगा। अच्छा, तो फिर वो पीछे पीछे भागते हैं। वो भागा और आज से 5 साल पहले भी उनका किसी का हाथ मिलता था, किसी का पैर मिलता था। 5 साल पहले तक मिलता था। तो आपके जो पापा थे, दादा थे? पापा थे। मेरे पापा थे, मतलब उस टाइम दादा भी थे। हाँ। दादा भी थे। तो मतलब इधर, मतलब यहाँ लोकल लोगों की भी डेथ हुई थी उसमें, बहुत सारे लोगों की? लोकल भी, मैक्सिमम लोकल, क्योंकि उनका क्या है ना, हम मतलब इस पहाड़ को चढ़ सकते हैं, कोई हमें परेशानी नहीं। हम भी पहाड़ी यहाँ भी चढ़ाते हैं बस, बिल्कुल। अब जो आर्मी इधर आई हुई थी उनको उनसे मतलब चढ़ना आसान नहीं था, आसान नहीं था, सामान लेके तो और दिक्कत थी। बिल्कुल, बस उसके बाद हमारे जो इधर के बंदे हैं उनकी वजह से पूरा सामान एम्युनिशन पूरा ऊपर पहुंचा। अच्छा, उसकी वजह से उनको सपोर्ट हो गया। अच्छा, तो मैक्सिमम हमारे इधर बंदों का किसी का कैजुअलिटी मैक्सिमम। तो जब पाकिस्तान के वो गिरते थे, मतलब जो मोटा रोटा गिरते थे, तो घर में भी गिरते होंगे लोगों के? गिरे, मान लो सर ये मकान है, ये हमने नया बनाया, उससे पुराना जो मकान जो यहाँ लोकल लोग रहते होंगे उनका तो घर से निकलना बिल्कुल बदहाल हो गया होगा। माइग्रेंट किया गया, गवर्नमेंट ने माइग्रेंट किया इधर से लेके करगिल लिया, जहाँ पर ये खिड़की से बराबर दिखता था, इधर से लाइट होता था पूरा आसमानों में, रात को गोले आते थे, गोले लाइट, गोले बस बिल्कुल लाइट ही लाइट आता था। अच्छा, आके उधर धुआं, बस दम बिल्कुल आवाज। तो जो विक्रम बत्रा जब इधर आए थे, विक्रम बत्रा ऊपर हिल है, तो इसी रास्ते गए होंगे यहाँ से? हाँ, यहीं से गए। तो यहाँ भी रुके थे? यहाँ रुके हैं ना सर, हर कोई रुका है। ये अच्छा। तो मेन पॉइंट था, यहाँ पर जो होना था वो सब कुछ इधर ही हुआ था। अच्छा, जो कुछ होना था ये मुश्कु वैली में हुआ था, यहाँ पर बाकी सारा जो हमारा इंडियन आर्मी भी, ये जो हमारा इधर गांव है, इधर पूरा एम्यूनिशन इधर ला के रखा, डंप करते थे। अच्छा। उसके बाद इधर से आगे क्वार्टर हमारी ऊपर शिफ्ट करती थी। ये हमारा एक इधर से नाला है, वो नाला जाएगा बराबर ऊपर टाइगर में। अच्छा, टाइगर में वहाँ पर ऊपर जहाँ पर विक्रम बत्रा इधर ये किया था, उससे भी खतरनाक। उससे बेसिकली लुकिंग टू द जियो फैक्टर ऑफ दिस लैंड, सामने भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है, तो इसके बीच में इन लोगों का झोपड़ा था या मानती थी, तो ये उससे थोड़ा सा बच गए थे। लेकिन ये जितने भी गोले थे, सारा गोला जो है इस पहाड़ पे टकराता था, उस पहाड़ पे टकराता था। बाद में इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने नीचे जब इन्होंने खबर दिया, तो उन्होंने नीचे से सारा लेकर के यहाँ पे था। जब इन्होंने यहाँ पे लेके आया, फिर उसके बाद पोर्टर, इनके बाप दादा जो थे वे पोर्टर के काम करते थे, वे सारा आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाया, खाना पीना सब कुछ। और एक्चुअली बेसिकली हम आपको बताते हैं, ये जो पिक्चर में आप देखते हो वो सारा देखते, उससे कहानी बहुत अलग होती है, कुछ अलग होता है उसमें। आप यकीन मानो सिविलियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, वो तो गोली नहीं चलाता है, वो मोटर भले नहीं चलाते, इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन से हेल्प करने में वो वही रास्ता दिखाते हैं, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से नहीं चढ़ना है, कहाँ पे गोला आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें पता है उस पार क्या है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने अपना शीप, लैम्स एंड गोट्स लेके चलाते हैं, तो इनको सारा रूट्स एंड एवरीथिंग इनको पता होता है। तो ठीक है, तो इसी तरह वे लोग सिविलियंस का हेल्प लेकर के ही
उन्होंने ये चीज की है। हमारे पास यहाँ पर पहले तो बहुत प्रॉब्लम हो गया सर हमारे इंडियन आर्मी को, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे इसमें थे लोकेशन में, पाकिस्तान जो है ज़्यादा हाई लोकेशन में थे, तो इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हमारे पोर्टर लोगों ने बहुत बड़ी मदद की, जिसकी वजह से हमें वहाँ ये सफलता मिली। तो हमारे इंडियन आर्मी ज़्यादा नीचे इसमें थे, ऊपर पहाड़ों में हमारे साइड में आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हमारे पहाड़ों में आए हुए थे, तो हमने बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम के बाद ये पहाड़ियाँ कब्जा करने में कामयाब हो गई हमारे इंडियन आर्मी। तो सर 99 में फर्स्ट में हम यहाँ टाइगर हिल के साइड निकल गए सर, ये टाइगर हिल के रास्ते हैं यहाँ पे, इस रास्ते से होके फिर हमें बत्रा सर, जो बत्रा ये सर टॉप विक्रम बत्रा जो शहीद हुए सर, उसके पीछे ये टाइगर हिल के पीछे आ जाती है वो पार्ट। तो हमें सर टाइगर हिल से बत्रा सर के जो एरिया थे सर, उस एरिया तक हमारे को तकरीबन 15-20 दिन के समय लग गए, 15-20 दिन का समय वहाँ पहुँचने में। हाँ सर, यहाँ से विक्रम बत्रा टॉप तक 15 दिन लगते थे आपको? हाँ सर, 15 दिन लग गए सर, क्योंकि आगे शेलिंग हो रही थी, आगे शेलिंग हो रही थी और पूरे पाकिस्तान की फौज उस एरिए में कब्जा किया हुआ था। तो सर हम उस वक्त नाइट में हम बत्रा सर के जो इस साइड एरिया में थे और एक पहाड़ है उस लोकेशन में बैठे हुए थे, तो बत्रा सर जो है वो अपने एरिया को कवर करते हुए जब वो रात को ऊपर निकल गए तो उस पहाड़ पे शहीद हो गए। उसके ऊपर जो थे वो हमारे ये हमारी आर्मी चढ़ रही थी, तो उसके टॉप में पाकिस्तान थे, उसकी फेर की वजह से हमारे बत्रा सर शहीद हो गए। उनके साथ पूरी टीम थी सर। कितने लोगों की टीम रही होगी उस समय? सर उस वक्त तकरीबन 25 की ये रही, 25 जवान यहाँ से गए थे, साथ में लोकल के बंदे भी थे, साथ में रिपोर्टर्स भी थे सर पीछे से। आपको कैसे पता चला कि जब आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ आ गई थी, आपको मतलब कानों कान खबर भी नहीं हुई कि आर्मी ने घेर लिया ऊपर से पूरा पाकिस्तान ने? सर उस वक्त तो ये जून का टाइम था, तो हमारे इस एरिया में बर्फ रहती है। अच्छा। तो हम इस लोकेशन में जाते ही नहीं, हमारा कोई काम होता नहीं। तो हम पेट्रोलिंग गए थे सर इस साइड, एक बार हमारी पेट्रोलिंग तो चलते रहती है, तो उस समय हमें पता चला कि ये बर्फ के ऊपर उनके पैर के निशान थे, पाकिस्तान आर्मी के। तो हमें ये एरिया जो है सर ये पाकिस्तान का बिल्कुल खुला एरिया था, इसमें कोई हमारी फौज भी नहीं रहती थी और ये भी नहीं रहती थी, ये एरिया पूरा ओपन बॉर्डर था, मतलब ओपन बॉर्डर था। 47 में जो सर ये समझौता हो गया था कि हमारे इस साइड में कोई भी फौज नहीं चढ़ेगी, सर्दियों के टाइम पे ये बॉर्डर को खाली कर देंगे, ऐसा समझौता हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल बॉर्डर खाली ही था, उसमें ना पाकिस्तान की फौज थी ना अपनी। उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बॉर्डर बनाने की जरूरत पड़े, जरा सर इसमें बहुत पहाड़े होते, बर्फ, और ये जो हमारे फौज आती थी सर वो पेट्रोलिंग अपने एरिया में करके फिर बैक नवंबर में डाउन हो जाती थी, अपना इस साइड से आर्मी चढ़ती थी और नवंबर में डाउन हो जाती थी, मई में चढ़ते थे और नवंबर में बैक हो जाते थे। तो बाद में सर इसी साइड में तोरलिंग साइड, जहां हम तोरलिंग बोलते हैं, उस एरिया में ऊपर जो पाकिस्तान की फौज थी वो ऊपर आए हुए थे, और अपना एक बंदा है यहाँ पर जो लद्दाख स्कोर में मोहम्मद यूसुफ, अच्छा, तो उसने उस बंदूक को ऊपर देख लिया उनने कि भाई यहाँ कोई दूसरे टाइप के बंदे हैं। तो बाद में उन लोगों ने सर्च करने के बाद हमारी वार वहीं से स्टार्ट हो गई। तो अपना जो बत्रा टंजिट केम है ना सर, उधर से अपने आर्टी फायर चली, तो ऊपर तोरलिंग साइड में, तोरलिंग से फिर वो लड़ाई स्टार्ट हो गई सर, टाइगर हिल से ये बलवन सर, जो बलवन बाद में पकड़ा, पहले नागा हिल, तकरीबन टाइगर हिल से बत्रा सर जो टॉप आता है बत्रा सर के, उसके बाद हमें 20-25 दिन के बाद हमें सर वो विजय हिल मिला। अच्छा। जहाँ पर पाकिस्तानी एफआरपी बोध है उसमें एरिया में हमारा बोध, पाकिस्तान का सामान भी मिला हमें। तो उसके बाद हमारे तकरीबन 2 साल के बाद ये कौन सी पंजाब थी सर, 14 पंजाब की कुछ थी सर, उसके बाद वो जो अपना ये अभी ये बलवन है सर वो बिल्कुल पाकिस्तान के ठीक गाँव के ऊपर, वो बड़ी मुश्किल से हमें पोस्ट आता है। अच्छा, तो आप लोग मतलब सिर्फ सामान ले जाते थे, आर्मी तो ऊपर लड़ाई करती, तो खाना पीना कौन बनाता था आर्मी के लिए? सर हमें कभी तो भूखा रहना पड़ता था। अच्छा, आपको भी भूखा रहना पड़ता था? हम क्या करते सर, हम तो आर्मी के साथ थे। अच्छा। हमें तकरीबन सर वो बत्रा से जहाँ पर हमारे बत्रा सर शहीद हो गए उससे आगे हमारे को 20-25 दिन लगे। अच्छा। उस एरिया में तकरीबन 15 दिन तो हमें बिल्कुल भूखा रहना पड़ा, भूखा सिर्फ भूखा हमारे 15 दिन 15 दिन
पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट रही थी, हम ब्रेक भी नहीं हो सकते थे। हाँ। तो इसलिए वो आगे जा रहे थे तो हम पीछे से उनके कब्जा करते करते हमें उसमें तकरीबन 15 दिन हमें भूखा रहना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हमें ड्रॉपिंग जो अपने जहाज आ गई सर, उसके बाद थोड़ा जहाज से जब ये हो गई तो जहाज से ड्रॉप करके हमें खाना शाना मिल गया। अरे बाप रे बाप। अच्छा, और बीच में जो पाकिस्तान का जो राशन वाशन मिलता था हम उसको खा लेते। अच्छा, पाकिस्तान का छोड़ के चले जाते होंगे, वो हथियार भी छोड़ के जाते थे या राशन क्या क्या छोड़ के जाते थे? हथियार भी बहुत छोड़ा सर और राशन भी बहुत छोड़ा था, उन लोगों को कोई संभलने की टाइम नहीं मिली, वो भाग रहे थे यहाँ से, भागे रहते थे और अपना आर्थिक जो है वो बहुत बड़ा ये। तो पाकिस्तान की कितनी आर्मी होगी कम से कम यहाँ पे जो आई थी घुसपैठ करके? घुसपैठ करके तकरीबन सर हो गए तकरीबन इस एरिया में तकरीबन 500 से 600 नफरी थी, 500 से 600 तकरीबन। और ऐसा कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी इधर मुस्को वैली में आके रुके छुपे हुए थे तो अपने आतंकवादियों को मतलब आए ये यहाँ से सर अपना ये गांव है ना सर, गांव से आगे ये अपना कौन बटागुल पड़ता है, बटागुल एरिया में अपनी आर्मी नहीं थी उस वक्त, वहाँ पे आए थे तो 2 दिन वहाँ रुके थे। हाँ, 2 दिन वहाँ रुके हैं बोल रहे हैं, मगर हमें कोई पता क्योंकि ऐसा एक मैसेज भी दिया था ना कि हम आपके इलाके में 2 दिन रह के गए करके, ऐसा कुछ उसने मैसेज भी दिया था? नहीं सर नहीं, वो तो चलो बात की बात नहीं, वो आगे एरिया में रुके होंगे मगर इस एरिया में जो है हमारा इस गांव में नहीं आए थे, नहीं आए थे एज रूल, इस गांव में कोई भी नहीं आया था। अच्छा, नीचे नहीं आया था। तो यहाँ जब वो वॉर हुआ था इस गांव से कितने लोग शहीद हुए होंगे? कम से कम हुए थे कुछ लोग जो आर्मी के साथ गए थे ऊपर पूरा सामान लेके? यहाँ पर सर जो भी हमारे लोग थे ना, हम तो घोड़े लेके थे। अच्छा, तो आधे घोड़े लेके थे, आधे आर्मी के साथ आगे गाइड करते थे क्योंकि हमारे को इस लोकेशन के बारे में पूरा पता था, तो हम कुछ गाइड करते थे और कुछ घोड़े के साथ ये करते थे, मगर कोई भी हमारे यहाँ पर कैजुअल्टी नहीं हुई हमारे लोकलों की, क्योंकि हमारी आर्मी जो है हमें ज्यादा आगे जाना नहीं देती थी। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि आर्मी वाले बोलते थे यार हम मर गए शहीद हो गए तो हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, आप शहीद हो गए तो आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं, आप तो इसी तरह मर जाओगे, हमें आगे जाना नहीं। अच्छा अच्छा, एक मेरा छोटा सा सवाल और है, बस लास्ट सवाल है मेरा। मेरा सवाल यह कि जिस तरीके से जब आर्मी के लोग यहाँ शहीद हुए थे या आर्मी के लोगों ने जो भी किया था ना, उन सबको किसी को परमवीर चक्र किसी को अशोक चक्र, तो यहाँ के गाँव वालों ने भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के सारा वो काम किया था जो आर्मी ने किया था सर। तो यहाँ के गाँव के लोगों को भी ऐसा कुछ सम्मान में कभी कुछ मिला किसी को कि मतलब कि ऐसा हुआ कि मतलब? किसी को कुछ नहीं मिला सर, तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ा उस चीज का तो कुछ नहीं मिला सर इस चीज के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ अगर आर्मी वहाँ गई थी तो यहाँ के लोग भी वहाँ गए थे और बिल्कुल 15 दिन तक भूखे रहना मतलब बहुत बड़ी बात है। किसको सम्मान मिला या कभी कोई एक फूल के रूप में भी कहीं पर नाम भी आया सब किसी का? नहीं, कुछ भी नहीं सीखा है फौज के साथ हम बहुत साल रहे सर, उसके बाद में भी बहुत टाइम। तो आप विक्रम बत्रा से मिले थे वैसे कभी? वो हमारे इस साइड में आ गए थे, हम ऊपर साइड में थे, तो बाद में हमें शहीद होने के बाद पता चला कि वो विक्रम सर थे। अच्छा, आपने उससे पहले विक्रम बत्रा को? हाँ सर, उस वक्त हम तो इधर से चढ़े थे, ये टाइगर हिल है अपना इसमें। अच्छा, ऊपर टाइगर हिल है। तो उसके बाद हम उधर मिले तो शहीद होने के बाद शहीद हुए तो कंधा देके आप लोग लेके नीचे आए? लेके नीचे आए। जब ये वार हुआ था ना तब आप कितने साल के थे? तब मैं 22 साल का था सर। 22 साल के थे तो आपके जैसे कितने लोग थे जिन्होंने यहाँ हेल्प करी थी सबकी? हमारे जो हमारे से थोड़े बड़े भी थे सर, हमारे जो बुजुर्ग भी थे हमारे, तो जो ड्यूटी में लगे हुए थे वो तो अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फौज में भी बहुत बंदे थे हमारे, तो जो यहाँ के लोकल थे जो हमारे साथ, उनने भी बहुत बड़ा घोड़े वोड़े लेके बहुत बड़ा हेल्प किया सर हमारे साथ साथ। तो हमारे बैक साइड में घोड़े थे। अच्छा। हम जो है आगे गाइड कर रहे थे, आगे जो हमारा एरिया है उसमें गाइड हमारा था, तो हमारे पीछे जो है वो हमारे घोड़े लगे हुए थे, हमारे घोड़े और हमारे ये गांव वाले यहाँ द्रास के गांव वाले ये सब मिलकर ये मदद करते थे। तो आप लोगों ने कितने महीने यहाँ मदद करी थी? तकरीबन हमारे यहाँ तक ये जुलाई तक चला सर, लास्ट मार्च से जुलाई तक का वार था। मार्च से जुलाई तक आप लोगों ने कितने टाइम? पूरा टाइम साथ रहना पड़ा सर, पूरे युद्ध तक आप लोग साथ ही थे सर, क्योंकि युद्ध के बाद में भी हमें यहाँ आगे सामान पहुँचाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारी नई पोस्टें थी तो उन पे बैंकर बनाना, हमें उधर वेंटर स्टॉक करना, हमें उधर केरोसिन पहुँचाना, क्योंकि हमारी फौज को ऊपर पहाड़ों में तो बहुत बड़ी सर्दी होती है सर, वहाँ जीना तो बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो ये आर्मी ही खुद जानती है जो वहाँ पर सह लेती है। वो उधर बर्फ़ के बीच में, हवाई के बीच में
सर वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमारी फौज जो है वहाँ वो खुद से लेती है, तो हमारी फौज को तो बिल्कुल बहुत बड़ा ये होना चाहिए सर। उसके बाद बहुत सारे पोस्ट यहाँ नए नए बन गए थे। हाँ सर, वहीं उन्हीं पोस्ट में तो हमें वेंटर स्टाफ होना चाहिए था, सामान पूछना चाहिए था, तो उस प्रॉब्लम में तो बहुत बड़ा ये वही आप लोगों ने हेल्प करी थी। लड़ाई के बाद फिर आप दोबारा से उनके साथ कंटिन्यू? सर लड़ाई के बाद भी नहीं रहा और लड़ाई से पहले कंटिन्यू रहा सर। तकरीबन हमें उस टाइम पर नवंबर एंडिंग दिसंबर तक हमारी बर्फ पड़ी सर। बर्फ पड़ने के बाद भी हमने ऊपर सामान पहुँचाने की बहुत कोशिश करके 1.5 साल तक आप लोग फिर भी साथ चलते रहे सर। उसके बाद तो कंटिन्यू चलते रहे, तो अभी अभी हमारे कुछ पोस्टें जो है मजबूत हैं सर। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करना चाहिए था, करना तो चाहिए था सर, लेकिन नहीं करा, वो बहुत गलत है। तो अब कुछ लगता है कि अब जो सरकार आ रखी है इनसे कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी? हाँ सर, हो सकता है इंशाल्लाह हमारा मोदी सर कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करेंगे, कोई मन नहीं, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने तो बस अपना टाइम पास किया सर, टाइम पास करके अपना दिन निकाल अपनी खिचड़ी बनाई। हाँ, अपनी खिचड़ी बना और खाई। तो ये सब कहानी है यहाँ की। तो हो सके आप लोग इस बात को ना आगे तक फैलाएं और बताएं कि कैसे यहाँ के लोगों ने हेल्प करी हमारे इंडियन आर्मी को आगे जीत पहुँचाने पर। तो हमारे लिए चाय आई है, तो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आगे जाने का। आगे भैया कितना आगे जा सकते हैं हम? यहाँ से आप जा सकते हो 3 किलोमीटर आगे। 3 किलोमीटर उसके आगे चेक पास आ जाएगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे जा सकते हैं, उसके आगे आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके आगे ना चेक पोस्ट है आर्मी के, तो वहाँ से आर्मी जा सकती है और लोकल के लोग जा सकते हैं। आप लोकल के भी जा सकते हैं ना वहाँ? तो आर्मी से आगे हम भी नहीं जा सकते। अच्छा, आर्मी के लोग, आर्मी के आगे आप लोग से तो सिर्फ 3 किलोमीटर तक यहाँ लोकल के बंदे जा सकते हैं, उसके बाद लोकल का भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता है। तो जिंदगी आगे चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता था। कितने लोग होंगे तब गांव में? कितने लोग थे? कितने मतलब कितने लोग होंगे? 100 कम होंगे यहाँ पर हैं सर, अभी 100 घर वाले यहाँ हैं। उस टाइम कम से कम अप्रोक्स 70 तक 70 लोग रहते थे गांव घर थे 70 घर थे। तो भैया अगर ना आप अगर जान है ना तो सब कुछ है, जान और बच्चे तो लेकर बस। हाँ, जान है तो फिर जान है। बैठा इतना गोले पड़ गया, इधर आया हमारे बच्चे कंधे पर, उनको राशन लिया, तेल लिया, उधर से कंधे पर हमारा पूरा गाँव वाले साथ साथ था आर्मी के साथ साथ। जैसे न्यूज बताती ना कि लोग ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ जब आप ग्राउंड में जाते हो ना तो कहानी कुछ और मिलती है कि लोग सपोर्ट करते हैं। कितने आदमी आया, कितने इंटरव्यू दिया, कुछ देने वाला नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी जो ये शेलिंग हो गया उस वक्त उधर रोड नहीं था, अभी रोड उधर तक पहुंची है, वो भी आर्मी के इसमें, बाकी कुछ गाड़ी नहीं आता था। पहले पतली रोड होगी, पहले पतली था तो उधर जैसे पगडंडी होती वैसी रोड होती होगी, इधर तक गाड़ी आता था बस, उसको उधर नहीं था। अभी तो कवर करनी थी। ओनी आंटी, धीरे धीरे रोड भी आएगी और बढ़िया रोड आएगी, आपके घर तक बढ़िया रोड जाएगी, सब बढ़िया। तो ऐसी कुछ कहानी थी मुस्को वैली की, और मुस्को वैली पे ना इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा था अपनी पूरी रणनीति को तैयार करने में और अपने टीम को, अपनी आर्मी ग्रुप्स को ऊपर टाइगर हिल तक पहुंचाने में मुस्को वैली का बहुत बड़ा रोल था और वहां के लोगों का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी कहानी थी मुस्को वैली की। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, और कल वाले व्लॉग में ना हम निकलेंगे आपके द्रास से जोजिला टॉप के लिए, और वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।